हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंदू अग्रवाल ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। गाइस, आज है रामनवमी का दिन और रामनवमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सो गाइस, सुबह से ही सब लोग लगे हुए हैं रामनवमी की तैयारी में, बच्चे भी बाहर तैयार हो गए हैं, वैसे ही पूजा पाठ का माहौल बना हुआ है। हम लोग सब नहा धोकर रेडी हो चुके हैं, सुबह के बज चुके हैं 7 और सब लोग पूजा पाठ करने के लिए तैयार हैं और खाना भी सारा बन चुका है कन्याओं को देने के लिए। जो भी खाना भोग प्रसाद बनाया जाता है, खाना वगैरह सब बन चुका है, काम भी सारा हो गया है। तो बस पूजा की सारी तैयारी भी हो चुकी है, बस पूजा करनी है। तो बाहर वाले रूम में चलते हैं और देखते हैं, पूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैं बाहर वाले रूम में पहुंची तो मैंने देखा कि पूजा वगैरह सब शुरू हो गई थी और बाहर हस्बैंड जी बच्चे साथ में मिलकर पूजा कर रहे थे। हमारे यहाँ सबसे पहले घर के जो जेंट्स लोग होते हैं वो पूजा करते हैं, उसके बाद घर की लेडीज़ पूजा करती हैं। तो घर के जेंट्सों को सबको अपने अपने काम पर भी जाना होता है, तो इसलिए हमको बहुत जल्दी जल्दी सारी तैयारी करनी होती है। तो जल्दी जल्दी से हम लोगों ने पूजा कराई। साइड में आप लोग देख रहे होंगे कि रेड और ग्रीन कलर के लंच बॉक्स रखे हुए हैं। इस बार हमने कन्याओं को देने के लिए लंच बॉक्स मंगाए थे जो कि हमें सब कन्याओं में बांटने थे, तो यहाँ पे हमने उनको एक तरफ रख लिया था क्योंकि जल्दी जल्दी पूजा करनी होती है। तो सारा काम ऐसे सुबह का टाइम होता है तो हबड़ तबड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो पूजा करने के बाद मम्मी जी ने भी पूजा की, उसके बाद धीरे धीरे कन्याएं भी आने लगी। खास बात यह है कि कन्याएं कभी भी एक साथ हमको नहीं मिलती हैं, जितनी भी कन्याएं बारी बारी से आती हैं उतनी कन्याओं को हम प्रसाद देकर विदा कर देते हैं। सो गाइस, पूजा वगैरह का सारा काम हो गया है और अब घर में मैं और मम्मी बचे हैं। हस्बैंड जी पापा जी जा चुके हैं अपने अपने काम पर और बच्चे गए हैं कन्या पूजन में। तो चलिए गाइस, पहले हम लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद करेंगे बाकी घर का जो भी काम बचा हुआ है साफ सफाई का किचन में। सो गाइस, बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं, ये लोग कन्या पूजन में गए हुए थे और यह अभी अपने पैसे काउंट कर रहे थे कि कितने पैसे इकट्ठे हो गए हैं। ये देखिए गाइस, मैं आपकी फ्रूटी पी रहा हूँ। आयन अभी फ्रूटी पी रहा है, इसको अभी कन्या पूजन में मिली थी। और ये विवान, आज आयन विवान ने सेम सेम कपड़े पहने हैं। आयन को थोड़ी खांसी हो गई है क्योंकि कल इसको फीवर भी आ गया था, तो अभी थोड़ा रिलीफ है लेकिन अभी ना पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। सुबह मैंने इसको दवाई भी दे दी थी। दोपहर के 12 बज चुके हैं और बाहर अभी भी बच्चों का शोर हो रहा है, बच्चे बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होकर एक साथ घूम रहे हैं। ये देखिए गाइस, हमें पेंसिल भी मिली है। हाँ, इनको पेंसिल भी मिली है, इनको देख के अपने बचपन का टाइम याद आ जाता है। इसी तरीके से हम लोगों को भी पूरा दिन हो जाता था इधर से उधर घूमते हुए, हमें बड़ा मजा आता था कन्या पूजन में जाने में। अब इन लोगों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बस अपना पुराना टाइम वापस आ गया है। अभी दीवान का ध्यान ना पैसे काउंटिंग में ही लगा हुआ है अभी। तो चलिए गाइस, अभी तो दोपहर हो गई है, अभी बच्चे भी थोड़ा थक गए हैं, सुबह से इधर उधर जाना ही हो रहा है, तो अभी इनको थोड़ा रेस्ट करने देते हैं। और शाम होगी तो शाम को आज हम लोगों को जाना है भंडारे में, बड़े मंदिर में आज भंडारा है, तो हम लोग जाएंगे, बच्चे भी जाएंगे हमारे साथ, फिर वहाँ का व्यू आपको दिखाएंगे कैसा है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे हर साल। तो चलिए गाइस, मिलते हैं। सो गाइस, शाम हो चुकी है और मंदिर में भी भंडारा शुरू हो चुका है, तो हम लोग हो गए हैं रेडी मंदिर में भंडारे के लिए। तो भंडारा तो सभी को पसंद होता है, खास करके भंडारे का जो खाना होता है वो बहुत टेस्टी लगता है, तो मैं तो हर बार जाती हूँ, जब भी मौका मिलता है भंडारा खाने का तब भी मैं भंडारा खाने के लिए जाती हूँ मंदिर में। तो आज भी हम लोग जा रहे हैं हिमांशी दीदी के साथ और बच्चे भी मेरे साथ जा रहे हैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं और वहाँ पे आपको चल के दिखाते हैं वहाँ का क्या व्यू है। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं मंदिर में और देख सकते हैं आप लोग कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे। ये देखिए, चारों तरफ भीड़ हो रही है और ये हमारा मंदिर है, जो मंदिर यहाँ पे सज चुका है। तो दिखाती हूँ आपको मंदिर अंदर से। मंदिर
लोगों ने दर्शन तो कर लिए हैं, हम लोग जा रहे हैं भंडारा खाने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी भीड़ हो रही है भंडारे के लिए। आंटी हमारी जा रही है, इन्हीं के साथ हम लोग हर बार जाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी भीड़ हो रही है, बहुत ज्यादा भीड़ है। हम लोग बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए और यहाँ पे अभी हमारी पत्तल आने वाली है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है तो थोड़ा टाइम लग रहा है, बहुत देर हो गई हमको खड़े खड़े। अब हमको सीट मिली है तो हम लोग बैठे हैं, अभी हम लोगों का खाना भी आने वाला है। हम लोगों ने भंडारा खा लिया है, हम लोग अब जा रहे हैं घर पे। बच्चे अभी नहीं दिख रहे हैं, कहाँ गए बच्चे? बच्चे अभी यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए हैं। बच्चों को अभी ढूंढ रहे हैं हम लोग, फिर हम लोग जाएंगे घर पे। वो भंडारा बहुत टेस्टी था खाने में, भंडारा तो वैसे हमेशा ही टेस्टी होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे बच्चे आ गए हैं पार्क एरिया में और यहाँ पे बच्चे खेल में लगे हुए हैं। मैं इनसे कह रही हूँ कि चलो घर पे, नहीं कि बच्चे नहीं जा रहे हैं, बच्चों का तो मन ही नहीं हो रहा जाने का। आयन आयन विवान चलो चलो घर पे जल्दी, पापा का फोन आ गया, चलो। सच में बुआ से पूछ लो, बुआ जा रही है। लोग आ चुके हैं घर पे, यहाँ हमारे पति देव आराम फरमा रहे हैं और बच्चों ने तो कपड़े चेंज भी कर लिए हैं। भंडारा खाया हो जाओ? तो पूरी खाई नहीं है भंडारा का। क्या खाया तू? कुछ नहीं खाया, चाय पिया। कुछ नहीं खाया, खाना नहीं खाया? अरे तो हस्बैंड जी गए नहीं थे भंडारे में हमारे साथ, क्योंकि ये हर बारी जाती ही नहीं है, हम लोग ही जाते हैं, क्योंकि इनको भंडारा भंडारा खाना पसंद है लेकिन भंडारे में जाना पसंद नहीं है। तो इनके लिए हम थोड़ा सा प्रसाद तो ले आए हैं जितना हुआ हो सका, बाकी अभी तो ये मोबाइल में बिजी हैं। तो चलिए गाइस कपड़े चेंज करते हैं हम भी, रात के 10 बज चुके हैं और आज के ब्लॉग को हम यहीं तक रखते हैं। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।